जब भी मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट की बात होती है तो हमें हमेशा यही लगता है कि विदेशी सप्लीमेंट या हमारे देश के महंगे सप्लीमेंट ब्रांड से ही अच्छी बॉडी बन सकती है और हमारे भारतीय आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में कोई भी दम नहीं है। तो भाई, इस वीडियो में आपकी ये विचारधारा बदलने वाली है। आज मैं आपको उन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग हजारों सालों से हो रहा है और जो आपके मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा। तो पहला सप्लीमेंट है गोक्षुरा। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल स्टेरॉइड कंपोनेंट्स होते हैं और ये स्टेरॉइड कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को वृद्धि करते हैं, और जब बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करता है तो इन रिटर्न जब आप एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं तो आपका मसल इंक्रीज होता है। मसल मास के साथ साथ गोक्षुरा आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस भी इंक्रीज करता है। दूसरा मास बिल्डिंग सप्लीमेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एडेप्टोजन है, यानी इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं, इसको कम करता है और साथ में बॉडी के टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को भी इंक्रीज करता है। अश्वगंधा पर दुनिया में बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज भी हुए हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन हर्ब माना गया है। अश्वगंधा मसल मास को भी गेन करता है। तीसरा सप्लीमेंट है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में सेपोनिन्स नामक कंपोनेंट होता है जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। सफ़ेद मूसली उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो डे टू डे क्रॉनिक वीकनेस से सफ़र करते हैं या जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर है। सफ़ेद मूसली टिश्यू फॉर्मेशन का भी काम करता है, यानी मसल बिल्डिंग करता है। लास्ट सप्लीमेंट है सतावरी। सतावरी हमारे बॉडी में RBC का निर्माण करता है, मतलब हमारा खून बनाने का काम करता है। ज़्यादा खून यानी हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब अथाह ताकत। इसके अलावा सतावरी मसल टिश्यू के डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। तो भाई, अगर आप लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो इन चारों सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग रात में इसे दूध के साथ एक साथ भी ले सकते हैं या अलग अलग भी पी सकते हैं, और गाय के दूध के साथ अगर इसका सेवन करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो भाई, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।